भाई साहब आपकी इजाजत हो तो मैं शगुन के कंगन भी भोग को पहना सकती हूँ। बिल्कुल पहना। बस हमें अब जल्दी से शादी की कोई करीबी तारीख दे दे। इतनी जल्दी? थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो। हमें जल्दी जवाब दीजिएगा। जी अपनी हार और सजा के खौफ से तुम यहाँ तक आ गए हो। मैं सिर्फ यहाँ पे वॉर्न करने आया हूँ। इस किस्से को यहीं खत्म करें वरना बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ। तुम तो अब डरने पे लगे हो। इससे ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मनाल और मलिक लाल के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि मनाल के वालिद उसका रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे से कराने जा रहे हैं, जिस पर मनाल राज़ी नहीं है। मनाल के मना करने के बावजूद मलिक लाल और उसके वालिद मनाल का रिश्ता तय कर देंगे, जिस पर मनाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो मलिक अजलाल को भी बातें सुनाने लग जाएगी। मलिक अजलाल उसे समझाएगा कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मनाल उसकी बात नहीं मानेगी और उससे कहेगी कि तुम अभी तक इशा का कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो, जबकि मेरी मर्ज़ी की तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं, तुम ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा रहे हो। इस तरह मनाल और मलिक अजलाल के दरमियान मुमारी हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे पर गुस्सा कर लेंगे और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। व्यूअर्स, मनाल को उसका मंगेतर कॉल करेगा और उसे बाहर घूमने के लिए इनवाइट करेगा, जो मनाल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो उसकी बेइज्जती कर देगी, जिस पर उसे गुस्सा आ जाएगा और वो अपने घर वालों के सामने कहेगा कि आप लोगों ने मेरा रिश्ता कहाँ तय कर दिया है, वो लड़की तो मुझे बातें सुनाकर काल काट गई है। मलिक साहब अपने बेटे की ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो मनाल के वालिद को काल करेंगे और उससे कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की बेइज्जती की है, मैं हरगिज़ अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस पर मनाल के वालिद उससे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मलिक साहब उसे कहेंगे कि मुझे तुम्हारी माफ़ी मांगना मंजूर नहीं, तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लाओगे ताकि वो मेरे बेटे से माफ़ी मांगे। व्यूअर्स, क्या मनाल अपने मंगेतर से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।